प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के फर्जी वेबसाइट बनाकर जालसाजी करने का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने जालसाजी की रकम से खरीदी गई कार, 4 मोबाइल सेट, फर्जी दस्तावेज आदि बरामद किया है। आरोपित ने पूछताछ में साइबर टीम को बताया कि वह 60 से ज़्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। रकम को फेक अकाउंट में भेजा गया है, जिसकी जांच कर पुलिस रकम वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपित की पहचान फैजाबाद के रुदौली थाना क्षेत्र के पुरेखा निवासी दानिश खान के रूप में हुई है। एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा व सीओ क्राइम परवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का पर्दाफाश किया है। एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि विशेष सिंह की शिकायत आने के बाद साइबर सेल को लगाया गया था, जिसके बाद वेबसाइट का डिटेल तथा 2 नंबर मिले, जिसको सर्विलांस की मदद से जांच शुरू की गई। इसके बाद पता चला कि दानिश खान, जो कि आज़ाद नगर इलाके में किराए का कमरा लेकर रहता था, वही पूरा रैकेट चला रहा है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मामला खुलकर सामने आ गया। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि साथियों के बारे में जानकारी जुटाई गई है, जिसकी तलाश की जा रही है। रैकेट से जुड़े लोग और भी जगह पर इस तरह का काम कर रहे हैं। घटना का अनावरण करने वाली टीम में निरीक्षक कन्हैया यादव, उप निरीक्षक विनायक सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह, सिपाही मनीष यादव, राजीव यादव, प्रमोद यादव आदि शामिल थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी, उस पर भारत सरकार का लोगो भी लगाया गया था तथा वित्त मंत्रालय भारत सरकार भी लिखा है, जिस वजह से लोग आसानी से झांसे में आ जाते थे, जिसका प्रचार प्रसार ई मीडिया तथा अन्य माध्यमों से किया जाता था। कई एजेंट रखे तो जो फॉर्म भरवाने के नाम पर 120 रुपया लेते थे और पूरा डिटेल इसके पास आ जाता था। दानिश फिर दीपक श्रीवास्तव बनकर बात करता था और RBI का अधिकारी बन फोन से बात करता था। व्हाट्सएप की मदद से आवेदक से एक नया बैंक व ऋण धन के आधार पर मार्जिन मनी जमा कराया जाता था, जिसे आवेदक को 24 घंटे में जमा करना होता था। इस दौरान खाता खुलवाने के दौरान जालसाज खुद का नंबर लिंक कराने को कहता था, जिसकी मदद से रुपया पड़ते ही उसे जानकारी हो जाती थी और फिर 2 दिन बाद रुपये को निकाल लेता था। क्योंकि वास्तव में योजना के तहत जदि के हिसाब से 5, 10 और 15% मार्जिन मनी देनी होती थी, इस वजह से 25 लाख रुपए लोन के लिए लोग यह रकम दे देते थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, क्योंकि उसके बाद जिस हिसाब से मॉडल्स ऑफ इंडिया उस पर चर्चा करने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के मतलब हिसाब से ही अन्य लोगों को मतलब चिन्हित किया जा रहा है। ज़्यादा अपने नाम से लोगों के साथ संपर्क कर रहा था और प्रॉक्टर है। हाँ बिल्कुल सरगना है। ये साइबर थाने से संबंधित ये प्रकरण है और ये साइबर थाने का ये प्रथम PCA हम लोग आज यहाँ कर रहे हैं। साइबर थाने का उद्घाटन ये 23 जून को हुआ था और ये 2 महीने के बाद अभी परसों साइबर थाने पर एक मुकदमा अपराध संख्या 3/20/20 पंजीकृत हुआ, 406, 419, 420, 67, 468, 71 और IT एक्ट से संबंधित। इसमें जो शिकायत मिली, एक विशेष सिंह करके थे, उन्होंने अपना एक आवेदन किया था कि मेरे अकाउंट से 3,95,000 निकल गए। तो जैसा कि साइबर थाने के लिए एक SOP भी बना हुआ कि 1 लाख के ऊपर वाले मामले देखे जाएंगे, तो 3,95 वाली बात आई थी प्रथम दृष्टया। तो उसको उस आवेदन के प्रपत्र के आधार पर अरे DIG महोदय और SSP महोदय के आदेशानुसार यह अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें हमारी साइबर टीम इसमें तत्परता से लग करके एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। ये जो मामला है, एक फर्जी वेबसाइट बना करके, भारत सरकार के नाम से फर्जी वेबसाइट बना करके, खासतौर से प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से संबंधित प्रकरण है। एक वास्तविक वेबसाइट है ही, उसके अलावा क्या पैरेलल में अपना फर्जी वेबसाइट बना करके, और बहुत लोग इसके भ्रम में आकर के अपना क्लिक किए, उस पर आ गए। तो ये जो इनका जो गुट है, जो गिरफ्तार हुए, इनके साथ में इनके सहयोगी का और काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सघन पूछताछ से और लोगों का नाम प्रकाश में आ रहा है, तो विवेचना से और बातें स्पष्ट होंगी, फिर उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे।
तो विशेष संख्या अकाउंट से 3,95,000 निकला, तो उनके लिए सबके लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो उसे शिकायत पे जब काम किया गया तो कुछ जो उसमें एविडेंस क्लूज मिले, इसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये जिनकी गिरफ्तारी हुई है दानिश खान हैं, रहने वाले वैसे फैजाबाद के हैं लेकिन यहाँ पर आज़ाद नगर में रहने वाले हैं। आज़ाद नगर में अपने ये किराए के स्थान पर इनके जो सहयोगी हैं ये मिल करके अच्छा खासा अपना सिस्टम बना रखे हैं कि किस तरह से लोगों कॉल करेंगे। अक्सर ये एक दीपक श्रीवास्तव के नाम से अपना ये कॉल किया करते थे कि कैसे, तो लोग अपना झांसे में आ जाते थे। प्रकरण इसमें यह है कि जैसा कि नाम ही है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, किस तरह से रोज़गार को सृजित किया जाए, तो जो लोग अपना अपना खुद का रोज़गार बढ़ाना चाहते हैं करना चाहते हैं तो उनको एक मार्जिनल मनी जमा करना पड़ता है। अगर कोई SC/ST समुदाय से है या कोई महिला है या जनरल समुदाय से हैं तो 5%, 10%, 15% के हिसाब से उनको मार्जिनल मनी जमा करना होगा। तो उसी के आधार पर कि उनको आगे लोन मिलेगा। तो विशेष सिंह के नाम से 25,00,000 का आवेदन ये इसमें आया, 25,00,000 के हिसाब से 3,75,000 हुआ। और उन्होंने जब अपना एक अकाउंट खोला है इस लोन के लिए, जब अकाउंट खोला था 20,000 पहले उन्होंने जमा कर दिया था, तो 3,75 और 20,395 हो गया। तो साइबर थाने की सार्थकता इस अपराध के अनावरण से हुई है। और इस तरह से आए दिन मैं कार्यालय में और भी शिकायतें इस तरह से आती रहती हैं, किसी का 70,00,000, किसी की 1,00,000, 1.5 लाख, इस तरह से अनेकों, मेरे ख्याल से रोज़ाना कम से कम 5 मामले तो ये साइबर सेल में मतलब मेरे कार्यालय में आ रहे हैं और बाकी कुछ अधिकारीगण जो यहाँ बैठ रहे हैं उनके पास भी आ रहे हैं। तो साइबर अपराध एक जघन्य और एक जघन अपराध है ही फिलहाल, ये इसमें काफ़ी व्यापक तौर पे इस अपराध के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई हो रही है और इसमें काफ़ी बरामदगी हुई है। इस अभियुक्त द्वारा एक सेकेंड हैंड गाड़ी का क्रैक किया गया था, होंडा मोबिलो जो अपने अपराध करने में ये उसका इस्तेमाल किया करता था, तो उसकी भी बरामदगी हुई है। जो उसने सेकेंड हैंड 5,20,000 में लिया था, तो वाहन की बरामदगी हुई है, ATM कार्ड्स की बरामदगी हुई है, पैन कार्ड वगैरह जिसके और संबंधित काफ़ी अभिलेख की बरामदगी इसमें हुई है। फिलहाल ये इस पे लगभग जो अभी तक जानकारी मिली है 397 के आसपास लोगों ने आवेदन किया है इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मतलब कि लोन के पाने के लिए 397 लोगों ने आवेदन किया है। और ये जो अभी बता रहे हैं सही गलत जो भी बता रहे हैं कि लगभग 70 लोगों के आसपास लोगों ने पैसा भी जमा किया है। अब इसके तह में हम लोगों को जाना पड़ेगा। अभी तो एक मामला जो खास तौर से उभर के आया है 3,95,000 का है, और फिर कितने बैंक अकाउंट्स में ये पैसे जाते हैं, ये अकाउंट किसके हैं, किस बैंक में है, फिलहाल तो अकाउंट फिलहाल जो कल पूछताछ में हो रही थी ये फेक नाम से फिलहाल ये अकाउंट है। जैसे इनका नाम दानिश है, दानिश के नाम से अकाउंट नहीं, किसी फेक नाम से अकाउंट ये सृजित किया गया है। तो इन ढेर सारे अकाउंटों को खंगालना पड़ेगा, ये अकाउंट्स कहाँ पर हैं, किन बैंक में हैं, ये सब करके और लोगों तक पहुँचा जाएगा। अभी प्रथम दृष्टया 5, 6, 7 यूँ कह लीजिए, अभी किसी का सरनेम बता रहे हैं, किसी का पहला नाम बता रहे हैं, और एक आध जो इनके साथ कमरे में रहते थे वो नाम स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। तो लगभग 6-7 लोगों का नाम इस तरह से प्रकाश में भी आ रहा है। अभी इसमें और सघन विवेचना की आवश्यकता है।